राम राम सीताराम सबको। तो ये आ गया है ओम का इलेक्ट्रिक साइकिल जो है डूडल, ई मोटोराज का जो धोनी वाली एडवर्टाइज नहीं आ रही आजकल, डूडल डूडल बहुत फेमस हुआ है, बैटरी वाली साइकिल वैसे और बाइसिकल हम लोग साइकिल बोलते हैं। और अभी ना मेरी थार के बारे में दो बातें बोल दो। क्या हम लोगों को ना, हम किसानों को क्या होता है जो ऐसे गांव में रहते हैं उनको, जो लोग बैठ सके ऐसी गाड़ी तो सभी होती है, हम लोगों को तो एक कैरियर भी चाहिए, बारिश में चले वैसी भी चाहिए, खेतों में चले वैसी भी चाहिए। अभी आगे का निकल मुश्किल से आई है थार में भी बहुत लंबा बॉक्स है। तो ये गाड़ी में जो पैसे डालते हैं ना हम लोग वो वर्थ है। अभी मॉनसून में पता चलेगा थार का। क्या करते हैं आजकल लोग 4x2 लेके सिटी में घुमाते हैं, फोटो लेते हैं, अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं कि मैंने थार ले ली, लेकिन ये इसका जो इस्तेमाल है ना वो हम लोग करते हैं सही इस्तेमाल। और अभी ना ओम को बताया, मैंने बोला कि ओम जल्दी जल्दी उठ जाओ, ये लेके लेने के लिए जाना है ना, तो अभी उठ रहा है ऐसे, तो अभी आएगा दौड़ के। बोले जो कोयल अनबॉक्सिंग करूं ना, यस यस जो कोयल गाड़ी का ये हाल हो गया है, लगा दो इसको ऊपर वापस। तो यहाँ पे ये है ई मोटोराड का जो डूडल साइकिल है, वो इलेक्ट्रिक साइकिल, इसमें ये आई थिंक बैटरी होगी ना शायद, इतनी लाइट तो नहीं है सर की बैटरी, कुछ होगा इसमें, नहीं ये कुछ और होगा। और ये डूडल को धोनी सर ने प्रमोट किया है ना, हाँ महेंद्र सिंह धोनी ने भी प्रमोट किया है और वो खुद भी उन्होंने रखी है, तो सब एक्साइटेड है, ओम नहीं है इतना एक्साइटेड, सब ट्राई करेंगे, वस्ता भाई ट्राई करेंगे, पापा ट्राई करेंगे, मैं करूंगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है ना, 110 किलो की है, हाँ, तो वो 110 किलो से ज्यादा नहीं है, तो सब इसको ट्राई कर सकते हैं। चलो एक एक, ये क्या निकला है, सीट निकला है पहले इसका ना, जो सिर्फ थ्रोटल पे चलाए ना तो 45 किलोमीटर प्लस चलेगा, और अगर पेडल असिस्ट से चलाए तो 65 किलोमीटर प्लस चलेगा, तो अच्छी रेंज है। लाइट बहुत है व्हील। उठाओ उठाओ निकालो। ओम तुम बॉक्स निकालो, तुम और कपिल साइड में से बॉक्स को साइड में करो। बॉक्स निकाल दो। इसके अंदर भाई को चलो। इसमें ना आधा तो फिक्स हुआ। ये कैरी बड़ा है, हैं? दिख रहा था उससे बड़ा है। पार्टली मतलब 60% फिक्स है। बाकी 40% फिक्स करना है आगे का टायर वगैरह। और इसका ना ये पूरा बॉडी एल्युमिनियम बॉडी है। तो स्ट्रांग लग रहा है ऑलरेडी। यहां का वजन कितना है? 35 किलो, ओके 35 किलो तक पीछे भी बैठ सकता है कोई। साथ ही उसके मतलब इसका सारा फिनिशिंग वेल्डिंग प्रीमियम लुक दिख रहा है ना, और इसमें लाइट भी है आगे पीछे सब। लाइट चलेगा, अभी देखेंगे बैटरी लगाएंगे इसका, बैटरी रहने इसमें ही होगा। लुक जो है वो ऑलमोस्ट बाइक टायर जो होते हैं। ये वीडियो में छोटा लग रहा था इसका टायर की, बहुत छोटा है ना, लेकिन रियल में बड़ा लग रहा है। शिव क्या आया ये शिव? लगाया नहीं, वो उसने जितना हो पाया वो सब कुछ फिक्स कर दिया। अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो ई मोटोराड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ सभी जगह मिल रहा है। अभी इसको खोलते हैं पहले, मैम इसमें बैटरी होगा ना शायद, इसको पहले चार्ज में रख लेते हैं बैटरी को। बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा पहले, अभी चार घंटे, चार से पाँच घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। वैसे चार्ज होके आई होगी या तो खाली होगी पता नहीं, पता नहीं अभी देखते। ये सारी चीज़ें दी हुई, इसकी पूरी टूल किट है साथ में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल किट। इसमें स्पाना हो जाते हैं, जो छोटे एलन की जो होते हैं वो है, सारा है, ये दो स्पाना हो गए, ये चार्जर है, ये बैटरी अंदर ही होगा शायद, बैटरी इसके अंदर, ये चार्जर है, ये चार्जर है नॉर्मल प्लग वाला, और हाँ नहीं ये तो चार्जर है, वो चार्जर है, अभी बैटरी अंदर होगा, बैटरी इसमें फिटेड है, मुझे लग रहा है चार्ज कर दिया होगा, चार्ज ही आती है एक बार तो। ये तो इसके पेडल, ये हैवी है, पकड़ो
दिखा मुझे मटेरियल इसका सारा जो दिखा, मतलब टायर से मैं इंप्रेस हुआ। अभी इसमें हवा नहीं लग रहा है ना, हवा नहीं, तो नहीं हवा भरनी पड़ेगी, हमारा जो मशीन है उससे भर लेंगे। और इसमें ना दो कलर आते हैं, एक पूरा पिंक ये, और ये सिर्फ ब्लैक है पूरा। ये पिंक नहीं, मतलब थोड़ी सी डिजाइन वाला होता है। कट करते हैं, कट करो। चलो निकालो, ये क्या है? ओ ये हैंडल है, ओलो है प्रीमियम। ओ मैं एक में है ना हैंडल आनो कवर यहां रेन में यूज कर माटे, ओके इमा लगाड़ेल छे ऑलरेडी फेको छे। तो अभी इसका ये ना फोल्डेबल है, एक दूसरी अच्छी बात है इसमें, ये पूरा फोल्डेबल है, तो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, सिटी में रख सकते हैं। ये सिटी में तो हमने बहुत देखा है, लेकिन अभी ऑफ रोड रास्ते में, गांव के रास्ते में इसका सही टायर के हिसाब से तो ये चलेगा। ओके सावी काटे दे, वाले सावी हलवा दे, आतन दे दे, आ तो अंदर मुके दियो, चल આપણી ખબર ને જ ને, આ તો અંદર આ તો હરખી ચાર્જિંગમાં મૂકી દે, એનું ઓલું દે હેન્ડલ ને ઓલું, યે ઇસકે ટાયર જીતના હેવી લુક દિખ રહા હે ના, ઇસસે બહોત લાઇટ હૈ, બહોત લાઇટ હૈ, બસ બસ હો ગયા, હા તુમકો કરના હૈ, ઓકે તુમ ભી કરો, હા હો ગયા, હા કરો, તુમ ભી ઉઠાઓ એસે જાને દો, हो गया ठीक है। ये साइकिल की जो फ्रेम है इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, और इसके साथ जो इसके मोटर और कंट्रोलर है उसकी एक साल की गारंटी है। इसके अलावा जो इसके इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है जैसे बैटरी चार्जर और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उस सब की भी 6 मंथ की वारंटी है, जो बहुत अच्छी बात है। और बैटरी है उसकी भी 2 साल की वारंटी है, और इसका जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो 110 किलो है। चार घंटे 5 घंटे चार्ज करने और हमको क्या करना है? बोल अभी तो मुझे चलाना ही है, अभी मुझे चलाना, कितने घंटे हो गए? अभी 12 बजे रखा है, 2:30 बजे, 2 घंटे ही हुए। तो अभी फाइनली पूरी हमारी डूडल असेंबल हो गई, और ये ना जितना वीडियो में दिख रही है इससे बड़ी है, वीडियो में बहुत छोटे छोटे टायर लग रहे हैं, इसके टायर भी बड़े हैं। ये पूरा हैंडल एडजस्टेबल है, सीट पूरी ऊपर तक होती है, बड़े टायर और वैसे भी साइज में बड़े। और अभी इसमें बैटरी लगानी बाकी है, ये पूरा फोल्ड भी हो जाती है। अच्छी बाइक है ना, साइकिल है ना, ई बाइक ही लग रही है पूरी। तो अभी के लिए हमने इसमें सीट ना पूरी लोवेस्ट रखी है ताकि वो उनके लिए कंफर्टेबल हो, बाकी इसको किसी को चाहिए तो बहुत ऊपर तक भी कर सकते हैं। और इसका हैंडल भी इतना जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। और सीट तो बहुत ऊँची जाती है, हमारे घर में तो सब छोटे छोटे लोग हैं। ये 7 फीट वाला कोई है वो भी चला सकता है। अभी इसमें बैटरी लगा के फिर ट्राई करते हैं, ठीक है? अभी चार्ज हो रही है, हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद ट्राई करेगा। यस, ये रेड है ना तब तक चार्ज हो रहा है, जब ग्रीन हो जाएगा तो फुली चार्ज हो जाएगा, लेकिन अभी हम ग्रीन होने की वेट नहीं कर रहे, जितना चार्ज है इसमें इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं ना, बाद में आज एक बार फुली चार्ज करना है। चाबी मेरे लगा देना तो। और ये ना साइकिल पूरी फोल्डेबल है, इसको कहीं पे लेके जाना है तो जा सकते हैं। इसमें दूसरी डिज़ाइन आ रही थी लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, इसको खोल के बैटरी लगाना है इसमें ना, इसको खोले बिना भी वो कर सकते हैं, सीधा इसका चार्जर पॉइंट है यहीं के, हाँ यहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ है बाहर से बैटरी नहीं लगे, यहाँ पे, ओके उस साइड में, ओके बैटरी, बैटरी हेवी है और चार्ज होने के बाद यहाँ लग जाएगी ना, ये इस तरह से लगेगी, तो सीधा वो हो सकता है। हाँ वो मजाक कर रही हूँ, जैसे तुम बोल रहे थे वैसे मैं भी बोल रही हूँ। ओके ऐसे खुल गई ना, हाँ इसको हाफ पार्ट कर सकते हैं, ऐसे वो टायर घुमाओ, दबे हाँ ये वाह भाई चलो, ये तो याक ही थे जे, ओ मलिक और तो टायर पकड़ जाता है, तो ऐसे खुलता है ये और यहाँ से जाएगी बैटरी अंदर, पकड़ना हो, इससे लॉक हो जाएगी, ये हो गई लॉक, अभी इसको वापस बंद कर देना, चाबी अभी तो हम इसमें भी रख सकते हैं, हमारे यहाँ तो ये यहाँ पे ही होती है साइकिल, ओके फिर इसको ये लॉक हो गई। ओके आप लोग सीधा डबल में जा रहे हो क्या?
अभी ना चार्ज हो गई है इसकी बैटरी फुल और अभी ये लोग ट्राई कर रहे हैं। ये चलती है टोटल से चलती है, मैंने देखो मेरे पैर देखो और देखो ये भागेगी अभी अभी दो तीन नंबर पे कर दो। अभी इसको ऑफ रोड पे हम चलाने वाले हैं, शायद अभी ओम ट्राई कर रहे हैं। ये तो बस स्विच ही कर रही वाली। तो अभी थोड़ी देर के लिए ओम को रामदेव अकेला नहीं जाने दे रहा, अभी पीछे है और ओम को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर ओम फटाफट जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा ओम को, क्योंकि ऑफ रोड में लंबा जाना हो तो ये साइकिल के साथ हम लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। ओके इसका समझ में आ गया। इसका ये कि जब आप दो पेंडल करोगे ना इसे तो अपने आप फिर ये पुश करती है। थोड़ा थोड़ा करता रहना है, थोड़ा थोड़ा साथ में करते थोड़ा अगर साथ में सेवन गियर में करोगे तो थोड़ा ही करना पड़ेगा फिर ये साथ में। मैंने तो अभी स्पोर्ट में लेके आया हूँ मैं, लेकिन नॉर्मल में अच्छी चलती है। और ऐसे ही सिर्फ चलानी है तो सिर्फ बैठ के थोड़ा सा वो थ्रोटल देना है तो वो थ्रोटल पे पहले स्टार्ट लेने में देखो ऐसे थ्रोटल दिया फिर अभी पेंडल चलाया ये देखो अपने आप अभी चलेगी। मतलब थोड़ा हमें देना होता है थोड़ा इसको पहले इसको स्टार्ट लेना है इससे। जैसे अभी ऐसे स्टार्ट लेंगे ना ऐसे स्टार्ट लिया मैंने फिर मैंने ये पेंडल लगाए ना वो पेडल असिस्ट तो अभी दो पेंडल में अभी चली गई वो। देखो मैंने जैसे दो बार पुश किया ना फिर वो भागती है। अभी ओम को सिर्फ थ्रोटल ट्राई करवाना दे क्योंकि ओम के वन में करना है वन में अभी कुछ नहीं उसको सिर्फ थ्रोटल करवाने दे सिर्फ थ्रोटल ताकि उसको बैलेंस आ जाए बस ठीक है। मैंने जीरो किया है बाप आ लीवर है जरा लीवर है दे हगो जाए लीवर है लीवर को चालू कीजिए हां ये भागे है जे सीधी जरा दिखो तो भाग क्यों बाप ब्रेक मुके दिया धीरे धीरे लीवर मुके दिया એટલે ઊભો રહી જાય પાછો એ પેન્ડલ મારો પેન્ડલ 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 મારો આખો ઘૂમરો બાપાની વન માં કે કી મામા બાપાને વન માં આવડે છે ને આવડે દી બાપાની 4 5 માં કરી દે ને ઈ તો જા હે જે તો अभी ना नॉर्मली कुछ नया आता है ना तो पापा इतना ट्राई नहीं करते। आज पापा को मन था तो सीधा पापा ने नॉर्मल साइकिल बहुत चलाई है हम लोगों को बिठा बिठा के तो ये तो अभी बैटरी वाली है इसको ऐसे लीवर करते ना थ्रोटल करते तो ये भाग रही है तो पापा आ रहे उसको उनको मतलब मजा आ रहा है क्योंकि लाइट वेट है तो इतना कोई क्योंकि जावा है बुलेट है तो उसमें क्या होता है तुम्हारे लिए तो वो हैवी हो जाते हैं और अभी पापा को मतलब वो इतना वो नहीं रहता कॉन्फिडेंस एक एज के बाद की चलाए वो गाड़ी में आराम से चले जाते हैं। पापा इसमें जाएंगे अभी आ रहे हैं देखो अभी पापा आ रहे हैं पापा ना पेंडल नहीं लगा रहे ऐसे ही आ रहे हैं अभी थ्रोटल में आराम आराम से। ये अच्छा है कि पापा भी लेके जा सकते हैं ओम भी लेके जा सकता है और हमें कोई डर की बात नहीं क्योंकि इतनी स्पीड में अगर गिरेंगे ना तो कुछ नहीं होता। ये एक अच्छी बात है क्योंकि बाइक वगैरह का डर रहता है कि बच्चे या जो बुजुर्ग लोग गिर जाए तो लगता है ज्यादा तो 70 प्लस इसमें गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओम देखो आ तो आ रहे इधर बाबा आज हाँ धीरी साइल में है फूल माथे करिए बहु वाले अजय तो बहु पहला माच से लीवर फूल दिया जो पेंडल मारी ने खाली लीवर में आले ने पेंडल में आले वस्त पेंडल मारी ही भाग के पेंडल में की तो जो भी आबे ब्रेक हो है ये तो मोटरसाइकिल आके ने हां दे पेंडल मार दे फूल लीवर ही दे लीवर बंद कर दे मार पेंडल ना घूम रो पेंडल मारी है ने भाग के गोली से जे है अब ऐसा क्यों शूट से गो वाली वहां तो गो। तो एक तरफ से ना ये पेट्रोल डीजल भी इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता है सिर्फ चार्ज करना है तो बहुत ही सस्ती पड़ती है उसके कंपैरिजन में और साथ साथ में इस ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोल सकते क्योंकि इससे कुछ भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि हम इसमें जाएंगे धीरे धीरे भी हम पेडल लगाएंगे तो एक तरफ से अच्छा ही होगा हमारी एक्सरसाइज भी हो सकती है और हम लॉन्ग राइड के लिए जा सकते हैं जो हमारा प्लान है। अभी वस्ता भाई ने एक ट्राई किया तो वस्ता भाई को अच्छा लगा कि ये तो मेरे बाइक से भी फास्ट भाग रही है मतलब क्योंकि हमारा ये जो ऑफ रोड है उसमें जो बाइक होते व्हीकल जो और भी बाइक होते उसको भी नॉर्मल स्पीड में इतनी स्पीड में आना पड़ता है क्योंकि रास्ता थोड़ा सा खराब होता है यहाँ पे तो इतनी स्पीड में साइकिल भी आ रही है तो वस्ता भाई को भी अच्छी लगी तो अब हम सब यूज़ कर सकते गांव में जाना तो भी यूज़ कर सकते हो और बेस्ट चीज़ क्या है कि इसकी रेंज बहुत लंबी है मतलब 60 किलोमीटर प्लस जाएगी ये पेडल असिस्ट के साथ जो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ हो जाए ऐसा कुछ हो जाए रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए बैटरी ख़त्म हो जाए कहीं नहीं जाना इतना दूर चले गए हम तो 60-70 किलोमीटर के प्लस फिर भी ये नॉर्मल साइकिल की तरफ भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको
तो ये एक बेस्ट परचेस है और ओम को बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट। और सब चला सकते हैं, ओम में रामदेव पापा सब कोई जा सकता है, जिसको भी नॉर्मल साइकिल आती है वो सब इसको वो लेके जा सकते हैं, और पीछे जो कैरियर है वहाँ पे दूसरा कोई लोग बैठ के भी जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसकी सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, और इसको स्टार्ट करने में ये जो की है से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर ये लॉन्ग प्रेस करना है पावर बटन, ये स्टार्ट हो जाता है। ओम ने ऑलरेडी 20 किलोमीटर चला ली है। बच्चों के लिए इसमें अलग अलग बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अलग अलग X1 X2 आता है, EMX आता है, EMX प्लस आता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ है। लेकिन ये इस टाइप के टायर में जो है ये डूडल V3 है हमारा, ये जो मॉडल है वो, और इसमें साथ साथ में ना फ़ोन के लिए चार्जर भी आता है ये नीचे, हाँ नीचे, तो अगर फ़ोन को चार्ज करना है तो भी कर सकते हैं। ये वाटर प्रूफ है, पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर का जो कवर लगाया हुआ निकाल दिया, निकाल दिया मैंने। ओके, हाँ तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइड में गियर्स दिए गए हैं, इसकी ब्रेक सिस्टम भी अच्छी है, आगे और पीछे लाइट भी है, तो अगर रात को भी चलाना है तो भी बहुत अच्छी है। और इसके फायदे ना जितना बताए इतने कम है। हाँ लाइट भी, पीछे का भी लाइट होता है। ओके, हाँ तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ओम तुमको कैसी लगी अपनी साइकिल? यस बता दो। ओके, वो हॉर्न होता लेकिन अभी मत बजाओ भाई, उठ जाएगा, ठीक है? और भी है, हाँ वो तो पता यहाँ पे थ्रोटल है साइड में, सबको पता है। हाँ वो मोड यहाँ से चेंज होते हैं, 1 2 3 4। ओके, पेडल असिस्ट भी चला सकते हैं, सिर्फ थ्रोटल पे भी चला सकते हैं, तो 5 ऐसे मोड चेंज करना है। और इसमें वॉक मोड भी, हाँ, और इसमें वॉक मोड भी है, माइनस करके अगर हम माइनस को लॉन्ग प्रेस, हाँ लॉन्ग प्रेस करते तो वो वॉक मोड हो जाता। अभी मत करो वॉक मोड, नहीं करना अभी, वॉक मोड मत करो। ओके ओके, तुमको कैसा लगा ओम? बहुत अच्छा, अच्छा लगा ना? हाँ। ओम को ये साइकिल बहुत ही अच्छा लगा, और स्पेशली ऑफ रोड में हमने ट्राई किया, तो ये ऑफ रोड में भी, हाँ मतलब कि ऑफ रोड में भी, हाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो अच्छे रास्ते हैं उसमें तो चलती है, लेकिन ऑफ रोड में भी अच्छी चलती है। और अभी 20 किलोमीटर चलाई है, और आप बैटरी देख सकते हो अभी भी इतनी है, 20 किलोमीटर में चला है इतना ही, हाँ तो मतलब 60 प्लस चलेगा अभी ये तुमको, ठीक है?